अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कलीदार कुर्ता काटने की तरीका। ये देखिए, हमने कलीदार का साइज लेके रखे हैं। 39 इंच लेंथ है और 51 इंच सीना है। इसमें मैंने लूजिंग पहले से 7 इंच ले लिया है और इनका पेट भी है 51 इंच, 54 इंच हिप है और 24.5 इंच आस्तीन का लंबाई है, 13 इंच मोड़ी है, 18.5 कॉलर है और 17 इंच आर मोल है। ठीक है, हम कटिंग करके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने जा रहा हूँ कलीदार कुर्ता काटने की तरीका। ये देखिए, हमने कलीदार का साइज लेके रखे हैं। 39 इंच लेंथ है और 51 इंच सीना है। इसमें मैंने लूजिंग पहले से 7 इंच ले लिया है और इनका पेट भी है 51 इंच, 54 इंच हिप है और 24.5 इंच आस्तीन का लंबाई है, 13 इंच मोड़ी है, 18.5 कॉलर है और 17 इंच आर मोल है। ठीक है, हम कटिंग करके दिखाते हैं। तो हम ये दो कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। अब नाप के देख लेंगे कपड़ा चौड़ाई में कितनी आ रही है। ये देखिए 17 इंच है और ये कंधी है, तो 17 इंच के हिसाब से हम इसको कट करेंगे। दोनों पल्ला को अच्छा से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम सीधा एक मार्क लेंगे। यहाँ पे इसी पे रखेंगे। हमारा लेंथ है 39 इंच, तो 39 पे मार्क लगाएंगे, 1.5 इंच फालतू लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंच मार्क लगाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे 1.5 इंच लगाएंगे मार्क, फिर 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर हम ये जो मार्क लगाए हैं 1.5 इंच, यहाँ से इंची टेप पकड़ेंगे और यहाँ पे 39 इंच का मार्क लगाएंगे, इसको कट कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच फालतू देंगे क्योंकि हमको इसी में पीछे का पल्ला देना है। दोनों पल्ला एक ही साथ हमको कटिंग करना है। यह हमारा आर्मोल है 17 इंच, तो यहाँ पे 17 का उसका आधा आता है 8.5 इंच, तो यहाँ पे 0.5 इंच बढ़ा के देंगे 9 इंच। हम ये दोनों का मार्क सीधा ले लेंगे। यहाँ पर का भी मार्क सीधा ले लेंगे और नीचे का मार्क भी हम सीधा ले लेंगे। इसका कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मार्क लगाएंगे कॉलर के लिए। हमारा कॉलर है 18.5 इंच, 18.5 इंच कॉलर है, 2.5 इंच देंगे और यहाँ पे देंगे 1 इंच और यहाँ पे भी 2.5 इंच देंगे।
ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, दोनों को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सीधा एक मार्क ले लेंगे, बैक गला। अब यहाँ से क्रॉस कर लेंगे, और ये वाला ये मार्क इसमें मिलाएंगे। अब हम देख लेंगे कि हमारा जो कंधी है 17 इंच, शायद कंधी लिखना भूल गया हूँ, लेकिन कंधी 17 इंच है। सत्रह इंच कंधी है, ये देखिए, ये आ जाता हमारा कंधी। सीते समय यहाँ पे मार्जिन कम लेंगे, एक पल्ला हटा लेंगे। ये हमारा बैक पल्ला हो गया, अब एक पल्ला ये हमारा फ्रंट हो गया। अब यहाँ से हम देंगे 1.5 इंच, सीधा मार्क ले लेंगे। अब इसको गोलाई कर लेंगे, ये कॉलर के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 2 इंच भी दे सकते हैं। बाद में कॉलर लगाते समय हम इसको कटिंग भी कर सकते हैं, हम इसको कम ही काटेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, एक पल्ला को हटा लेंगे हम। ये पल्ला के हिसाब से हम इसका कली काटेंगे। अब इसका फ्रंट लेंगे, ये चटका रहेगा, चटका के इतना ही हम देंगे इसका ज्वाइंट, और 1/2 इंच फालतू रहेगा ताकि यहाँ पे हम आस्तीन में मार्जिन ले सकेंगे। अब हम चेस्ट का मार्क लगाएंगे, चेस्ट है हमारा 51 इंच, 51 का 1/4 हिस्सा रहेगा, यानी 12.5 इंच रहेगा। ये देखिए 12.5 इंच पे मार्क लगाए लेंगे, और हमने यहाँ से ले पकड़ना है 17 इंच, 17 इंच पे हम एक मार्क ले लेंगे, यह हमारा कमर का होगा। 51 इंच है तो यहाँ पे भी 12.5 इंच देंगे, यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे, 50 इंच रहेगा यहाँ पे।
यहाँ ऊपर से 25 इंच का लेंथ लेंगे, ये 25 इंच ये हिप के लिए, हिप कितना है 54 इंच है, 54 इंच का चौथा हिस्सा आएगा 13.5 इंच, 13.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब इसको पहले हम यहाँ पे सीधा मार्क ले लेंगे, यहाँ पे हल्का सेप देंगे, यहाँ से हल्का सेप देंगे क्योंकि इनका पेट निकला हुआ है, ज़्यादा सेप नहीं दे सकते नहीं तो पेट के पास कपड़ा टाइट हो जाएगी। एक अंदाज से क्रॉस कर लेंगे, हम पहले देख लेंगे ऐसे सीधा स्केल रखें, ये हिप का है और कितना क्रॉस हो रही है, देखिए 2.5 इंच क्रॉस हो रही है, 2.5 इंच चलेगा, पहले दर्द होता है मैं 2.5 इंच चलेगा, मैं इसको कभी नहीं नापता हूँ, एक अंदाज से दे देता हूँ क्योंकि ये जो इसका सेप आता है, हम जो स्केल का सेप लगाते हैं उस सेप के हिसाब से कटिंग करते हैं, अगर इसको ज़्यादा कर देंगे तो हमारा कुर्ता का दामन है ना ऐंठ जाएगी, बैठेगी नहीं अच्छा से, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा कट कर लेंगे, ये जो मेरा कपड़ा बचा साइड से जो निकला है, यहाँ पे एक कली लगाई है, छोटा सा कली बनती है, कली रहेगा वही 3.5 इंच रहेगा, हम इसको सीधा कर लेंगे। साढ़े 3 इंच इधर से हो गया, 3.5 इंच इधर से ले लेंगे, इसको सीधा कट कर लेंगे। ये जो कली यहाँ पे लगेगी ऐसे लगेगी और ये डायरेक्ट आस्तीन लगेगी, ये हमारा फ्रंट हो गया, एक कली हो गई, ये बैक हो गई, अब आस्तीन काटेंगे, आस्तीन पहले एक पल्ला कट कर लेंगे, यहाँ पे 1 इंच ऊपर छोड़ के मार्जिन लगा देंगे, 24.5 इंच आस्तीन का लंबाई है और यहाँ पे है मोहरी 13 इंच, 13 इंच पे मार्क लगा लेंगे, 17 इंच आर्मोल है, थोड़ा कम करेंगे, ये देखिए 17 इंच आर्मोल है, 17 इंच पे मार्क लगा लिए, 13 इंच इसको हम सीधा ले लेंगे, इसमें सेप नहीं दे सकते हैं, फिटिंग नहीं है, बड़े आदमी का है, हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, यहाँ पे 1.5 इंच का और यहाँ से सीधा पकड़ लेंगे, कितना हमारा सिलाई में जाएगा,
सीधा कट कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे साइड से। दूसरा आस्तीन हम इसी तरह बैठा के कट कर कर लेंगे। ये मेरा कलीदार कुर्ता कट गए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे डिज़ाइन, अच्छे अच्छे कटिंग और अच्छे अच्छे नॉलेज मैं इस चैनल पे बताते रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।